Hello everyone, welcome to AgriTime, learn agriculture with me. Friends, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हॉर्टिकल्चर उद्यान शास्त्र के अंतर्गत ओलेरी कल्चर में सब्जियों की खेती के प्रकार टाइप्स ऑफ वेजिटेबल फार्मिंग. ओके ना, तो आगे बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लासेस जो है वो पसंद आती है तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि आपको क्लास पसंद आई, आप भी ज्वाइन करें करके. स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन और सब्जियों की खेती के प्रकारों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि कितने प्रकार के सब्जियों की खेती के जो प्रकार होते हैं वो आपके होते हैं. अब बात करते हैं हम सब्जियों की खेती. तो देखो, जो सब्जियों की खेती है वो 7 प्रकार की होती है. कौन कौन सी होती है, तो उसमें से पहला है आपका किचन गार्डनिंग, जिसे हम ग्रीव वाटिका बोलते हैं. ओके, तो इसके बारे में चलिए डिस्कशन करते हैं. तो घर में पड़े हुए व्यर्थ स्थान पर घर की आवश्यकता के अनुसार सब्जियों को लगाना आपका क्या कहलाता है, तो आपका गृह वाटिका कहलाता है. ओके ना, घर के 5-6 सदस्यों के लिए गृह वाटिका के लिए 250 से 300 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति व्यक्ति 50 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है. ओके, तो ये चीज़ आप जरूर से ज़रूर याद रखिएगा. घर के 5-6 सदस्यों के लिए गृह वाटिका के लिए कितना स्थान का आपका आवश्यकता पड़ता है, तो 250 से 300 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके ना, इसके बाद नेक्स्ट है, गृह वाटिका में सब्जियों में सर्वाधिक स्थान हरे पत्ते वाली सब्जियों का होना चाहिए. ओके, पूछा जाता है क्वेश्चन कि आपका गृह वाटिका के लिए सबसे ज़्यादा सर्वाधिक स्थान किसके लिए, कौन सी सब्जी के लिए होना चाहिए, तो हरे पत्ते वाली सब्जी के लिए होना चाहिए. इसके बाद है, बेल वाली सब्जियां अर्थात कद्दू वर्गीय सब्जियां को दीवार अथवा बाड़ के पास लगानी चाहिए. मतलब कौन कौन से कद्दू वर्गीय, जैसे करेला को मान लेते हैं. ओके ना, नार वाली फसलें हैं ये, ठीक है. इसके बाद है आपका, गृह वाटिका में छोटे फल वृक्ष जैसे पपीता हो गया, फालसा हो गया, अनानास, केला आदि को लगाया जा सकता है. गृह वाटिका में नींबू का फल वृक्ष भी अत्यंत आवश्यक है लगाना. ओके, अब आप गृह वाटिका लगा रहे हो, अगर नींबू का पौधा नहीं है, मतलब थोड़ा खलता है ना, तो इसलिए नींबू का पौधा ज़रूर लगाएं. इसके बाद है, गृह वाटिका में नींबू का फल हमने देख लिया. इन फल वृक्षों के नीचे छाया प्रिय पौधे जैसे हल्दी हो गया, अदरक हो गया आदि को लगाना चाहिए. आम की आम्रपाली व सदाबहार तथा पपीते की पूसा नन्हा किस्म गृह वाटिका के लिए सबसे उपयुक्त रहती है. ओके, अगर आप आम की जो आम्रपाली किस्म है वो अगर लगाते हैं, ठीक है, वह सदाबहार तथा पपीते के लिए पूसा नन्हा जो वैरायटी आती है, तो ये आपका गृह वाटिका किचन गार्डनिंग के लिए सबसे उपयुक्त रहता है, सबसे अच्छा रहता है. तो आपका सब्जियों की खेती का जो प्रकार है उसमें पहला था आपका किचन गार्डनिंग. ओके ना, तो इसके बारे में हमने डिस्कशन किया कि किचन गार्डनिंग के अंतर्गत क्या क्या कर सकते हैं अपन, कितने स्थान की आवश्यकता होती है. और दूसरा है आपका मार्केट गार्डनिंग. बाज़ार की 15 से 20 किलोमीटर की परिधि में की जाने वाली खेती को अपन क्या बोलते हैं, मार्केट गार्डनिंग बोलते हैं. ठीक है, मार्केट गार्डनिंग की भूमि क्या होती है, आपका महंगा होता है. कृषि जोत का आकार जो है वो छोटा होता है. फसल सघनता जो है वो अत्यधिक होती है. मजदूरों की आवश्यकता अधिक होती है तथा यातायात की जो सुविधा है वो भी अच्छी होती है. ओके, मार्केट गार्डनिंग में बाज़ार की मांग के अनुसार सब्जियों को लगाया जाता है, जिससे मुनाफा जो है वो अधिक मिलता है. ओके, अब मार्केट गार्डनिंग क्या है, यहाँ पे देखिए उसका डेफिनेशन ही यही है कि वो बाज़ार की 15 से 20 किलोमीटर की परिधि में लगाया जाता है. लगाया जाने वाले जो खेती होता है उसको हम मार्केट गार्डनिंग बोलते हैं. तब मार्केट के 15 से 20 किलोमीटर की दूरी में है वो, ठीक है, जो आपका फार्मिंग है, जो मार्केट गार्डनिंग कर रहे हैं वो, तो अगर वहाँ पे जो बाज़ार की मांग है, ठीक है, जो वहाँ के जो मतलब अब जैसे सब्जी लगाए, तो सब्जी जो मतलब अब आम इंसान है वो सब्जी लेने जाएगा, तो उसकी जो उस टाइम मांग रहेगी, अगर उसी के अकॉर्डिंग अगर हम सब्जियाँ लगाते हैं तो उनको क्या होगा, मुनाफा अधिक होगा अगर हम मार्केट गार्डनिंग करते हैं. तब मार्केट गार्डनिंग के लिए उपयुक्त तो जो सब्जियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आपका गोभी वर्गीय सब्जियां हो गया, हरे पत्ते वाली सब्जियां हो गया, टमाटर हो गया, मटर हो गया, मिर्च हो गया, बैंगन तथा कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं, ये सब आपका मार्केट गार्डनिंग के लिए क्या होता है, उपयुक्त तो सब्जियाँ होती हैं. इसके बाद है ट्रक गार्डनिंग.
ट्रक गार्डनिंग क्या होता है? तो ट्रक शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के ट्रेक्चर से हुई है। ट्रेक्चर का अर्थ होता है लाना, ले जाना। याद रखिएगा इसको, जो आपका ट्रकर का मतलब होता है वो लाना ले जाना होता है, ओके। और ये पूछा जाता है ट्रक गार्डनिंग हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका ट्रक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो फ्रेंच भाषा से हुई है। और कौन से शब्द से हुई है? तो आपका ट्रकर से हुआ है, ओके ना। तो इतना याद रखिएगा ट्रक गार्डनिंग में, ये तीसरा प्रकार सब्जियों की खेती का। इसके बाद बाजार से अधिक दूरी वाले क्षेत्रों में की जाने वाली खेती को ट्रक गार्डनिंग कहते हैं। ट्रक गार्डनिंग में सामान्यतः ऐसी सब्जियों को लगाया जाता है जिनकी भंडारण क्षमता अधिक होती है, इसलिए इन्हें तुड़ाई के बाद एक स्थान एक साथ बाजार ले जाना चाहते हैं। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपका जो ट्रक गार्डनिंग है, इसका सामान्य अर्थ अगर हम बताएं तो ऐसी सब्जियों को इसमें लगाया जाता है जिनका जो भंडारण क्षमता है वो अधिक होता है, इसलिए इन्हें तुड़ाई के बाद एक साथ बाजार ले जाया जाता है, जिससे यातायात में जो खर्च है वो आपका कम हो जाता है। ट्रक गार्डनिंग के लिए उपयुक्त सब्जियां कौन कौन सी है? तो आलू, प्याज, ओके, लहसुन, कसावा, तरबूज इत्यादि, ये सभी ट्रक गार्डनिंग के लिए बेस्ट जो वेजिटेबल्स हैं या फल हो गए, ये आते हैं इसके अंतर्गत, ओके ना। अब तरबूज को तो आप फल बोलोगे ना, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है, फल और सब्जियां दोनों ही इसके अंतर्गत आ जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट सब्जियों के तैरते हुए भाग, आप जानते हो, इसका नाम सुने होंगे, सब्जियों के तैरते हुए बाग, फ्लोटिंग गार्डन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार पॉइंट लगा सकते हैं आप, ये अक्सर पूछा जाता है। सो श्रीनगर में सर्दियों के महीनों में बर्फबारी होने के कारण खेती करना संभव नहीं होता है तथा बाहर से सब्जी मंगवाने के लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, इसलिए डल झील कभी नहीं जमती। तो इसमें सब्जियों के तैरते हुए बगान लगाए जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? फ्लोटिंग गार्डन बोल देते हैं, सब्जियों के तैरते हुए बाग, ओके ना। आप सर्च कीजिएगा गूगल में, फ़िलहाल तो मैं आपको इमेज नहीं शो कर सकता, आप सर्च कीजिए गूगल में, अगर हो सके तो मैं इमेज शो कर दूंगा, ओके ना। फिर भी आप सर्च कर सकते हैं गूगल में कि फ्लोटिंग गार्डन करके, ओके ना, वहाँ पे आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगे जिसमें आप ये चीज़ देख सकते हो कि वहाँ पे सब्जी जो है कैसी लगाई जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो श्रीनगर में सर्दियों के महीनों में बर्फबारी होने के कारण, पूछा जाएगा फ्लोटिंग गार्डन कहाँ किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है? श्रीनगर में किया जाता है, ओके ना। आपका कहाँ? तो डल झील में, ओके तो इतना याद रखिएगा। इसके बाद कौन सा और प्रकार है? तो आपका फोर्स गार्डनिंग, इसका मतलब है बेमौसमी खेती। तो पॉली हाउस, ग्रीन हाउस एंड ग्लास हाउस में कृत्रिम वातावरण उत्पन्न करके बिना मौसम के ही सब्जियां उगाना बेमौसमी खेती कहलाता है, ओके। जैसे सीज़न के विपरीत सब्जियों को उगाना क्या कहलाता है? बेमौसमी खेती कहलाता है। यहाँ पे जो पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है और ग्लास हाउस है, इसमें सामान्यतः तापमान, प्रकाश, नमी को नियंत्रित किया जाता है। ग्लास हाउस और आपका लेट हाउस जो होता है, लेट हाउस, जिसे शीतोष्ण जलवायु में बनाया जाता है, ओके ना। वर्तमान में पॉली हाउस, ग्रीन हाउस में सर्वाधिक खीरा, टमाटर, मिर्च और खरबूज, ये उगाए जाते हैं या फिर ये लगाए जाते हैं। अब आपका छठवां कौन सा है? तो आपका सब्जियों की खेती, तो बीज उत्पादन के लिए, सीड प्रोडक्शन के लिए भी हम सब्जियों की खेती करते हैं, ओके ना। और कौन सा? तो प्रसंस्करण के लिए खेती करना, प्रोसेसिंग के लिए, ओके। उसका क्या करना, जैसे सब्जी, कई सब्जी ऐसे होते हैं जिसको हम सुखा देते हैं, जैसे टमाटर की बात करें, ठीक है ना, तो टमाटर को बहुत सारे जगहों में क्या करते हैं, सुखा के, मतलब उसका प्रोसेसिंग कर दिया जाता है, या फिर बहुत सारे क्या करते हैं, उसका कैचअप बना देते हैं, ठीक है ना। तो यही है, और प्रसंस्करण का मतलब कि बहुत सारे, जैसे करेला भी हो गया, तो करेला को भी बहुत सारे जगहों में क्या किया जाता है, सुखा के रख दिया जाता है, तो बाद में खाएंगे करके, ओके ना, जब बहुत ज़्यादा अगर सब्जी की कमी हो गई तो उसको खाएंगे करके। तो प्रसंस्करण के लिए भी खेती किया जाता है, बीज उत्पादन के लिए भी खेती किया जाता है आपका सब्जियों का। तो ये सात जो प्रकार थे, ओके ना, सब्जियों की खेती की, इसको हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है, और ये छोटा सा टॉपिक था, सभी इसको अच्छे से याद रखिएगा, बस सब्जियों की खेती के सात प्रकार होते हैं, इतना याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में,
तब तक के लिए जय जवान जय किसान, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।